नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। मैं आज के एपिसोड में चर्चा करने जा रहा हूँ जो आम लोगों को परेशानी है कि असमय उनके चेहरे का तेज कम हो रहा है, झुर्रियाँ आ रही हैं, बाल पतले और बेजान होकर झड़ रहे हैं, भूख नहीं लगती है, जोड़ों में दर्द रहता है और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई जांच में कोई बीमारियां निकलती नहीं हैं, पता नहीं चलता है, परंतु कमजोरी दिन ब दिन हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। वो अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा का कमी महसूस कर रहे हों, तो ऐसे जो दिखाई दे रहे हैं लक्षण, इनके लिए कौन सी दवा है और इसको क्या कहेंगे? आप इनको बीमारी तो कहेंगे ही नहीं, ये एक तरह का लॉस ऑफ विटालिटी है, वाइटल फोर्स आपका वीक हो रहा है, किसी कारण से, किसी चीज़ की कमी से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। ये किस चीज़ की कमी से होता है? इसके लिए सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार है बायोटिन, बायोटिन की कमी। बायोटिन की कमी से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, बाल पतले हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं और शरीर का जो उपापचय है वो बहुत धीमा हो जाता है, जिसके कारण भूख भी कम लगती है, स्टूल भी ड्राई हो जाते हैं। बायोटिन की कमी से विटामिन B7 कम जाता है बॉडी में। विटामिन B7 के कमने से आपके बहुत सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो बायोटिन की कमी हो जाती है। दूसरा कमी हो जाता है, बहुत वाइटल है, फास्फोरस। हड्डियों के लिए फास्फोरस ज़बरदस्त चीज़ है, तो आपकी हड्डियों में फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो हड्डियाँ खुरदरी हो जाएंगी, आपको ऑस्टियोफाइटिस, ऑस्टियोफाइटोसिस का प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, जोड़ कमज़ोर हो जाएंगे और स्किन भी इसके कारण डल हो जाते हैं। और देखने को मिलता है जो नाखून हैं, दांत हैं, उनमें भी खुरदरापन आ जाता है और कमज़ोरी आ जाती है। आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न है, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि आपके बाल कैसे चमकीले और घने हों, काले हों, आपके चेहरे पे कैसे ओझ और तेज बना रहे, कैसे आपके चेहरे पर आ रही झुर्रियों को रोका जाए, आँख के चारों ओर जो नीले घेरे पड़ रहे हों उनको कैसे ठीक किया जाए, आपके हर जोड़ फिट और तंदुरुस्त रहें, वहाँ के कार्टिलेज, लिगामेंट और हड्डियाँ दुरुस्त रहें, इसको कैसे ठीक किया जाए, आपके पेट का उपापचय, मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक किया जाए, तो इन सबों के लिए मैं बारी बारी से आपको दवा बता रहा हूँ। ये चार दवाएँ हैं जो एक दूसरे के आनुषंगिक यानी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिंस हैं, जो एक दूसरे के साथ लेने पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उनमें सबसे नंबर वन मेडिसिन है साइलेशिया 200। साइलेशिया 200 को लेना है प्रत्येक दिन एक बार, 3-4 ड्रॉप साइलेशिया लेंगे प्रत्येक दिन एक बार। और दूसरी दवा है एब्रोटेनम 30। एब्रोटेनम 30 को लेंगे सुबह शाम 3-4 बूंद की मात्रा में। तीसरी दवा है कलकेरिया हाइपोफोस। कलकेरिया हाइपोफोस 3x में लेंगे, 2-3 गोली 3 बार। और चौथी दवा है हेड्रेस्टिस क्यू। हेड्रेस्टिस क्यू इसको लेंगे 10 बूंद की मात्रा सुबह शाम 1 कप पानी में, 1 कप ऑफ वाटर, 10 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे। अब मैं साइलेशिया पे बोलूँगा, साइलेशिया क्यों ज़रूरी है। साइलेशिया आपके एंटी एजिंग फैक्टर पे इफेक्ट डालता है, यानी आप उम्र से पहले बुढ़ापा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आपके बालों में जान नहीं है, आपके दांतों में जान नहीं है, आपके नाखून फट रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, आपके स्किन झुर्रीदार हो रहे हैं, उन सब पे साइलेशिया का बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। ये आपके वाइटल फोर्स पे इफेक्ट डालता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपको फिट एंड फाइन रखता है। दूसरी दवा है एब्रोटेनम, ये साइलेशिया का कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। एब्रोटेनम लेने से साइलेशिया का कार्य भी बढ़ता है और एब्रोटेनम का अपना बहुत ही एंटी एजिंग इफेक्ट इसका ही बहुत अच्छा आता है स्किन पे, खासकर चेहरे के स्किन पे इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। जो झुर्री आ रहा हो या निस्तेज हो रहा हो चेहरा, या स्किन ढीला हो रहा हो, शरीर का मसल्स ढीला हो रहा हो, उसमें आप एब्रोटेनम का इफेक्ट देखेंगे। डोज कैसे लेनी है एब्रोटेनम की मैं पहले बता चुका हूँ। हड्डियों में फास्फोरस भरना है,
हड्डियों में 85% का फास्फोरस का योगदान है। तो फास्फोरस को जो उम्र के हिसाब से फास्फोरस हड्डियों से निकल चुका है, शरीर से बाहर जा चुका है, और जिसके कारण ऑस्टियोफाइटोसिस और जोड़ों की समस्या हो रही हो और उसके कारण हड्डियों में विकृति आने के कारण कार्टिलेज भी डैमेज हो रहे हो, तो ऐसे केस में फास्फोरस कैसे हड्डियों में भरेंगे? तो उनके लिए आप लेंगे होम्योपैथी की बहुत ही मशहूर दवा कल्केरिया हाइपोफोस। 3x या 6x का टीका लेना है। कल्केरिया हाइपोफोस जो है सो फास्फोरस की कमी को दूर करेगा और आपके हड्डियों में फास्फोरस भरेगा। फास्फोरस भरने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, फास्फोरस और कैल्शियम मिलकर हड्डियों को तंदुरुस्त बना देगा। इस तरह से आपको कल्केरिया हाइपोफोस का मदद लेना बहुत ज़रूरी है बढ़ते उम्र में, और उम्र के दोष से बचना है, उम्र के विकार से बचना है, तो कल्केरिया हाइपोफोस का 40+ के लोग, महिलाओं या पुरुष, जरूर सेवन करें अपने हड्डियों को ठीक रखने के लिए। कल्केरिया हाइपोफोस संजीवनी की तरह काम करेगा आपके हड्डियों में फास्फोरस को भरने में। चौथी दवा मैंने हाइड्रास्टिस बताई। हाइड्रास्टिस का आपके पाचन क्रिया पर बहुत ही ज़बरदस्त रोल है। आपका पाचन क्रिया ठीक रहेगा, आपके कॉन्स्टिपेशन दूर रहेंगे, गैस नहीं बनेगा, लीवर पेनक्रियाज वगैरह ठीक रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका टॉक्सिन्स लेवल घटा रहेगा, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर होगा, रिलीज होगा, जिससे आपके स्किन चमाचम हो जाएंगे, बाल चमाचम हो जाएंगे। तो इन दवाओं का सेवन करें। इन दवाओं के सेवन से आपके चेहरे का, आपके शरीर का, आपके बालों का, आपके नाखून का रंगत बढ़ेगा और उम्र का एक प्रभाव जो आ रहा है वो कमेगा और आप तेज से दैदीप्यमान दिखेंगे। इन चार दवाओं के प्रयोग से महीने दिन के अंदर आप में बहुत जबरदस्त तब्दीली आएगी। आपके झड़ते हुए बाल रुक जाएंगे, आपके चेहरे में किसी तरह का कोई विकार आ रहा हो स्किन पे, आंखों के पास, आपके दांतों में कोई विकार आ रहा हो या नाखून में, वो खुद ब खुद देखेंगे धीरे धीरे ठीक हो गए। तो दोस्तों आप इनका लाभ उठाइए, इन चार दवाओं से आप अपनी तंदुरुस्ती को फिर से पा सकते हैं, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है तो वहीं रुक जाएगा। तो इन दवाओं का प्रयोग कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।